Hi, good evening. This is Jasroop Kaur from New Era Education. Welcome all of you to online webinar. So now I'm going to start our webinar that is for Mordovia State University, Russia. So सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. मेरा नाम जसरूप कौर है और मैं सीनियर काउंसलर हूँ न्यू एरा एजुकेशन में. सो आप सभी का स्वागत है न्यू एरा एजुकेशन में आज के हमारे ऑनलाइन वेबिनार में. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में. और यहाँ पे हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाले हैं फ्रॉम रशिया विद इन हमारी जो भी हम लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल हॉस्टल यूनिवर्सिटी एरिया मेडिकल इंस्टीट्यूट. एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हमारे जो मोर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आपको कोऑर्डिनेशन करने का आज मौका मिलेगा. सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर नीरज. प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो वेलकम डॉक्टर नीरज टू अवर ऑनलाइन वेबिनार. वी आर इंट्रोड्यूसिंग अवर मेन बिल्डिंग ऑफ मोर्दोविया. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आनंद फ्रॉम Mordovia State University. Anand, you are online with us. Hello. Sorry. Hello. Good afternoon, sir. Sorry. Good afternoon, ma'am. Good evening, Anand. So, how are you? Ma'am, मैं रोहित हूँ. आनंद बड़ा भी बिजी है तो मैं हूँ भी. Okay. So आज आप हमें दिखाने वाले हैं main building of Mordovia State University. Just introduce एक बारी आप अपने बारे में कर दीजिए. Yes, ma'am. हमारे जितने भी students connected हैं कुछ parents connected हैं अपने बारे में. जी. Hello everyone and hello sir and hello ma'am. My name is Rohit Sutar and I'm from Rajasthan and I'm a student of fifth year. And अभी तो मैं अभी मेन बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ अभी. सो जस्ट आपको अभी मेन बिल्डिंग आपको मैं दिखा देता हूँ. सो दिस इज आवर मेन बिल्डिंग ऑफ आवर यूनिवर्सिटी. कैन यू शो अराउंड द यूनिवर्सिटी? यस सर. एंड दिस इज द ओगरे प्लाजा. ये यहाँ पे मतलब मॉल है ये. एंड इसके साइड में हमारी एक और सेकंड नंबर बिल्डिंग है जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जहाँ वहाँ पे भी क्लासेस हमारी लगती है. और इस या और यहाँ पे हमारे ये लगे फाउंटेन एरिया बट अभी एक बार बंद कर रखा है. और वैसे तो ये पूरा एक सेंटर इलाका है मतलब ये जो मेन यूनिवर्सिटी हमारी पूरे सेंटर के अंदर आती है. और आप अंदर जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? सर अभी अंदर नहीं जा सकते सर. अभी मैंने पहले इंफॉर्मेशन लेके आया था अंदर जाने के लिए तो उन्होंने पूछा था कि अगर आपकी क्लास है तो आप जा सकते हो. स्टूडेंट कार्ड होना कंपलसरी है तो स्टूडेंट कार्ड तो सर जहाँ पे गार्ड रहता है वहाँ तक तो जा ही सकते हो. हाँ सर वहाँ तक जा सकते हैं सर. गेट तक जा सकते हैं. मैं आपको अभी गेट तक सर दिखा देता हूँ. बाकी सब यहाँ अंदर एंट्री तो भी नहीं दे रहे हैं. और अब ये बात थोड़े बहुत यहाँ पे बीच में एक बार भी छोटे मतलब थोड़े मतलब शॉप्स है सर. आपको कुछ ऐसी चीजें पसंद हो तो आप यहाँ से भी मतलब थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं. ये लाइक गर्मियों के टाइम में भी थोड़ा बहुत ऐसे देखने को मिलता है यहाँ पे. और यहाँ से पूरी एक मेन यूनिवर्सिटी है जो व्यू यहाँ से आता है आपका सामने का. और बाकी भी थोड़ा एंट्रेंस आपको एंट्रेंस दिखा देता हूँ कि एंट्रेंस कहाँ से होती है. Thank you.
ये हमारी मेन मेन बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है यहाँ से अभी। और अभी तो जिनकी क्लासेस एक बार अभी तुमको अलाउड है जाना, और जिनके पास अभी स्टूडेंट कार्ड है, तो अभी मेरे पास वो कार्ड तो नहीं है और ना अभी मेरी इधर क्लास है, तो भी मेरे को भी अंदर एंट्री मिल नहीं सकती है। ठीक है बाहर आ जाइए। थैंक यू सो मच जी मैम। इंटरनेशनल ऑफिस डिपार्टमेंट साइड जाइए। ओके सर। जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक वहां चलते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट साइड जाना है। रविंदर हेलो। हाय गुड इवनिंग रविंदर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। माय नेम इज रविंदर कुमार। अनंतपुरम मर्दवे स्टेट यूनिवर्सिटी 6th ईयर स्टूडेंट and I'm going to show you Medical Institute of Mordovia State University. It is a Medical Institute of Mordovia State University. I'm going to show you inside medical faculty. Medical faculty. Can you show around the Medical Institute? It is the main entrance of medical institute. Sir, Rohit to Norse hai ma'am. Sir, kindly aap hello ma'am. Thodi der baad hum aapse baat karte hain. Abhi bari bacche dikha dein kuch. Ji, bilkul main aapse karti hu baat. Thodi der ke liye aap unmute kar lijiye. Main abhi baat karti hu sir. Parent session abhi baad mein hai hamare paas. Okay ma'am. Thank you sir. Mask karte hue I'm going to show you classrooms and library table. First, I'm going to show you library inside the medical institute. It is a library of medical institute. Drasya. वहाँ पे 4-5 लाइब्रेरीज हैं, जिसमें से एक ये है और मेन सेंटर में भी है, 3 लाइब्रेरी सेंटर में है। एंड आई एम गोइंग टू शो यू द क्लासरूम्स।
It's a chemistry faculty, general chemistry. It is a classroom. It's a chemistry lab. And I'm going to show you biology, histology faculty. Chemistry labs, you can see. Anatomy department. I have to go to the another building. Yeah, Dr. Neeraj, kindly coordinate. We can move on to another one. Yeah. Rohit. Yes, sir. Rohit. Yes, sir. Yes, sir. आप पहुंच गए वहां पे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के पास. तो ये हो गया. ये हमारे ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है. यहाँ पे हमारे वीजा रजिस्ट्रेशन ये सब वर्क हमारे यहाँ पे होते हैं. अंदर अलाउ नहीं करेंगे, बाहर ही. तो ये अभी यहाँ से अंदर एंट्रेंस यहाँ से है, बट अभी अंदर अलाउड है नहीं. वन बाय वन अलाउ करेंगे अभी, जिनको भी जाना वन को अलाउ करेंगे. अभी ये सब वेट कर रहे अपने टर्न का. इधर आपके अराउंड दिखा दीजिए, उसके अराउंड इंटरनल सेंटर पर. जी सर. और यहाँ पे आस पास थोड़े बहुत बिल्डिंग्स है, और ये मेन यूनिवर्सिटी जो मेन बिल्डिंग है यूसी का पीछे का एरिया है. और यहाँ पे ये कुछ बिल्डिंग्स है मेन, और ये कुछ कल्चर प्रोग्राम्स के दो बिल्डिंग्स है जहाँ पे फंक्शंस होते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज के, वहाँ पे हेल्ड किए जाते हैं. और सर अब इधर तो सर इतना ही. Rohit, थोड़ा सा. या थैंक यू. जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग स्टूडेंट्स को, क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं. जैसे आप इस डिपार्टमेंट में आपने दिखाया वीजा के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, तो हमारी जो न्यू एरा की जो टीम है वहाँ पे वो क्या सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स का रिगार्डिंग द सेम, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वन और टू लाइन्स में. जी यस मैम, ऑफ कोर्स मैम. जैसे हम लोग यहाँ पर अगर आते हैं तो जैसे हमें जो रजिस्ट्रेशन और जो हमें पासपोर्ट और जो वीजा की जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारे साथ यहाँ पे सर और या उनके जो असिस्टेंट है वो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा यहाँ पे रेडी रहते हैं. और लाइक हमें यहाँ पे कभी भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है. वीजा हमें टाइम पे मिलता है और रजिस्ट्रेशन हमेशा हमें टाइम पे मिलता है. और हमें यहाँ पे भी वैसे अभी तक तो हमें किसी भी चीज से कोई दिक्कत अभी तक हमें कोई हुई नहीं यहाँ पे जब से हम लोग यहाँ पे आए. हमें यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं, हर चीज टाइम पे होती है, हर काम अच्छे से होता है. और कोई भी अगर दिक्कत होती है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सब प्रेजेंट रहते हैं. कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी चीज में आपको दिक्कत आ रही हो लैंग्वेज में, तो सर यहाँ पे हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं. या फिर सर आपके पास खुद आपको लेके जाएंगे पहले, या फिर किसी मतलब स्टूडेंट्स को भेजते हैं जिनको जो सीनियर्स है वो आपके यहाँ पे हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे. ओके रोहित, या थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. या आई एम गोइंग टू शो यू द एनाटॉमिकल बिल्डिंग, एनाटॉमी बिल्डिंग्स. हेलो. या हेलो हेलो. या आई एम गोइंग टू शो यू द एनाटॉमी बिल्डिंग्स. यस दिस इज एनाटॉमी बिल्डिंग. नो जी ये भी लिस्ट था. मैम आपको मैं 5 मिनट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है. कोई बात नहीं, हम लोग अभी चलते हैं हॉस्टल एरिया की तरफ. हॉस्टल्स दिखाने के लिए कौन स्टूडेंट अवेलेबल है डॉक्टर नीरज सर, लाइन अप कर सकते हैं आप उनको विद इन 5 मिनट्स में. हम लोग हॉस्टल का व्यू पॉइंट दिखाते हैं. जी जी सर.
हेलो एवरीवन. या हेलो. या मेरा नाम शाकिब कुमार, मैं फोर्थ ईयर में हूँ यहाँ बिहार से. फ्रंट कैमरा दिखाओ जी. ये हमारा हॉस्टल है, इंडियन हॉस्टल. ये लिप्टन है, यहाँ वार्डन बैठती है यहाँ केयर करने के लिए. 24 आवर रहता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ बैठ के बातचीत पढ़ने लिखने के लिए यहाँ कर सकते हैं आप यूज. ये हमारे सारे रूम्स हैं, आपको मैं रूम खोल के दिखाता हूँ. कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है जा रही हूँ. ये हमारे रूम्स हैं. काइंडली बाकी जो हैं स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कनेक्टेड अपने माइक को म्यूट कर दें, सो दैट वो प्रॉब्लम आ रही है जी बीच में. उसका नाम क्या है? ये नॉइज. हेलो. हेलो. हाँ जी बताइए जी सर. दिखाइए, साकेत दिखा दीजिए. हाँ ये टू जी, ये टू सीटर रूम है हमारा. ये सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर बोर्ड हो गया, चार कपबोर्ड मिलते हैं टू पर्सन के लिए. ये हमारा वॉशरूम इसमें अटैच है. ये टेबल चेयर, स्टडी टेबल, इधर मेस आता है, किचन खाने वाने के लिए. ये हमारा चूल्हा, किचन सब है, यहाँ खुद से कुक कर सकते हैं. ये ड्रॉवर है सब कुकिंग आइटम्स रखने के लिए, यहाँ भी ड्रॉवर है. फ्रिज वगैरह सब, ओवन वगैरह सब यहाँ मिलता है हम लोगों को. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द हॉस्टल एरिया एंड किचन एरिया व्हिच यू हैव शोन. And now we are moving on to one of the parents who is connected with us. वो थोड़ा सा experience share करेंगे. Renu ma'am is available with us, I think, right? Renu Kalra ma'am. Yeah, very good evening, ma'am. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? Ma'am, just share your experience within 5 minutes. Actually, our time is going to be over. So let me introduce Renu ma'am from Delhi. So, ma'am, please अपना experience share करेंगे. आपके बेटी पढ़ती है मुर्दुगे स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको कैसा लगा न्यू एरा से एडमिशन लेके और क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है आपके बेटी को वहाँ पे? जी, मेरी बेटी रशिया में फिफ्थ ईयर में आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है. एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा. बच्चा हमारा अच्छा पढ़ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई. थोड़ी बहुत जो आ भी जाती है तो वो फर्स्ट साल में आती है, कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ सॉल्व हो जाती है. हमें परेशानी की जरूरत नहीं है. हमें लगता है कि अभी हमारा बच्चा पता नहीं वहाँ कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या क्या होगा. पहले साल मुझे लगा था जब भेजा था मैंने, और वो भी मेरी बिटिया है. अब देखो बेटा हो, एक इंसान सोचता कोई बात नहीं, लेकिन बेटी को बाहर अकेले भेजना, ऐसे बहुत से सवाल मेरे साथ थे. लेकिन वो सारे मेरे सॉल्व, 6 महीने तक तो मुझे मतलब टेंशन थी. 6 महीने बाद तो धर्म हमारे बच्चे के लिए बहुत कुछ किया. हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, और बच्चा हमारा अच्छे से रह रहा है. और कोई छोटी मोटी आ भी जाती है तो वहाँ फोन हो जाती है, हमारे तक तो बात ही नहीं पहुंचती. Okay. कोई परेशानी नहीं है. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को न्यू एरा की तरफ से? जो फैसिलिटीज आपके बच्चे को हमने दी है, सेम फैसिलिटी हर बच्चे को हम देते हैं मैम. तो आप एक मैसेज पास ऑन कर दीजिए कि अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं न्यू एरा एजुकेशन से, दे आर मोस्ट वेलकम और ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन है ये. जी नहीं, मैं तो कह रही हूँ जिनकी भी बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, अपना बिना डर दिए और अपना बच्चा बाहर भेजो, कोई दिक्कत नहीं आएगी रशिया में. और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, और स्टडी भी बहुत अच्छी होती है. इंडिया से अच्छी स्टडी हो रही है वहाँ पे, और बच्चा भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी ना खाने की ना रहने की, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है. हमारा मतलब हमसे ज्यादा वहाँ मतलब वो लोग हमारे बच्चे का ध्यान अच्छे से रख पाते हैं. मतलब बच्चा भेज के हमने ये गलती नहीं करी, हमने ये कहा कि बच्चा हमारा बहुत अच्छे से वहाँ रह रहा है. हम तो चाहते हैं कोई भी अपने बेटा हो या बेटी हो बाहर भेजना चाहे रशिया में,
तो भेज सकता है स्टडी के लिए मारदुंगा में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी भी नहीं आएगी, पढ़ाई भी अच्छी है, स्टडी बच्चा अच्छी कर लेता है वहाँ, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम कोई ऐसी आएगी भी नहीं। थैंक यू मैम फॉर गिविंग अ वेरी वंडरफुल फीडबैक अबाउट रशिया एंड अवर ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ एक स्टूडेंट है अलाहाबाद से, अगर वो हमारे साथ कनेक्टेड है तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। दीनानाथ पाटिल इज अवेलेबल इन अवर वेबिनार? हेलो, यू आर अवेलेबल? या बिल्कुल। दो मिनट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए और कहाँ से हैं और क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली आई एम ए सेकंड ईयर स्टूडेंट एंड माय नेम इज दीनानाथ। I joined Moldova State University in last year 2019. तो यहाँ पे क्या है कि कोई दिक्कत होती नहीं, कोई भी परेशानी होती नहीं, क्योंकि पहली बात तो इंडियन हॉस्टल अवेलेबल रहता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, और इंडियन मेस अवेलेबल रहता है, और इस वजह से फूड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती भी है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस नीचे ही है, हॉस्टल में ही है, तो अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे कुछ बता सकते हैं, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दी जाती है, इसलिए कोई दिक्कत वैसे होती नहीं वहाँ पे, सारी चीज की समस्या सॉल्व करने के लिए है हमारे वहाँ पर। आप कौन सी सिटी से हैं, थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे आप? जी एक्चुअली आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। ओके, यूपी के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आप एक मैसेज पास कर सकते हैं कि हमारी सर्विस आपको कैसी लगी न्यू एरा एजुकेशन? बिल्कुल अच्छी है, अच्छी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर सारे देखभाल के लिए हैं, वहाँ पे जो भी कुछ है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर भी है, कोई दिक्कत होती नहीं, ना तो यूनिवर्सिटी में दिक्कत होती है हमको, और कोई दिक्कत नहीं होती, एडमिशन कराना चाहिए क्योंकि सारा चीज अवेलेबल है, फूड से लेके हर चीज वहाँ पर, इंडियन हॉस्टल, इंडियन फूड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीनानाथ फॉर कनेक्टिंग विद अस। सो थैंक्स एवरीवन, आप इस वेबिनार में आए और आपने हमारा वेबिनार, या डॉक्टर नीरज आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, आई वो रविंद्र एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, वो भी दिखा देंगे। सर अभी टाइम आउट हो रहा है, आई थिंक मे बी अगर दो मिनट में हो जाएगा तो वी कैन शो सर, दो तीन मिनट हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा जी, आप दिखा दीजिए सर। ओके सर, नो इश्यू सर, नेक्स्ट वेबिनार में हम जो सेक्शन हमारे रह गए हैं दिखाने के वो हम नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, और हम कुछ सिटी एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, नेक्स्ट वीक में ही होगा हमारा वेबिनार। सो आप सबसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर जिनके पासपोर्ट रेडी नहीं है, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए मोर्डोविया स्टेट यूनिवर्सिटी में, वो अपना एप्लीकेशन फाइल कर दें और साथ ही साथ अपना पासपोर्ट रेडी कर लें, हो सके तो तत्काल बेसिस पे कर लें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आ रही है 15th अक्टूबर, और अगर किसी स्टूडेंट का पासपोर्ट रेडी नहीं है 15 अक्टूबर तक हमें नहीं मिल पाता है ऑन हैंड, तो हम लोग एडमिशन नहीं दे पाएंगे उनको। सो होप फॉर द बेस्ट, आपके रिजल्ट भी आने वाले हैं, उससे प्रियोर आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं मोर्डोविया स्टेट यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपका इंडिया में सिलेक्शन होना मुश्किल है, और या फिर लग रहा है कि प्राइवेट में होगा तो आपका बजट अफोर्डेबल नहीं है, तो यू कैन कनेक्ट विद न्यू एरा एजुकेशन। थैंक यू सो मच, एंड हमारी वेबसाइट है www.neweraeducation.in, इस पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी के बारे में, और हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं वहाँ पे नंबर्स मेंशन्ड है, यू कैन कॉल ऑन द सेम नंबर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू द स्टूडेंट्स हु कनेक्टेड, पेरेंट्स हु कनेक्टेड, एंड डॉक्टर नीरज थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू रविंदर साकेत एंड स्टूडेंट जितने भी कनेक्टेड हुए हैं, हमारी जितनी भी उन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की है फॉर शोइंग द यूनिवर्सिटी एरिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ मैं अपना वेबिनार एंड करने जा रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में।